अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी तो आज जी मेरा आया पैकेज पैकेज पैक पैकेज होता है नहीं क्या होता है, आज जी मेरा आया पार्सल। तो जी आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी जी माशाल्लाह माशाल्लाह सब ठीक आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, नॉट बैड। टिकटॉक से मैंने मंगवाई थी तो जी बहुत अच्छी आई हैं। वैसे आपको मैंने कहा चले मैं भी आपको साथ साथ हर चीज़ दिखाऊं। तो जी ये देखें जी, ये सॉक्स थी जो याद तो नहीं है प्राइस कितने कितने प्राइस में आई हैं, पर कम कम में आई हैं ना, 40% ऑफ पे। तो जी ये सारी मेरी चीज़ें बेहतरीन बेहतरीन, ये देखें जी माशाल्लाह। अब ये जी मैं सबको, जो मेरे रिलेटिव्स हैं सबको गिफ्ट कर दूँगी सॉक्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सॉक्स आ गई हैं। ये जी वहाँ की पोनियाँ और अच्छी थी, नॉट बैड, बहुत अच्छी थी। ये जी जूती, ओ माय गॉड, देखे जी बर्दाश्त ही ना होता। और जी ये भी सॉक्स थी, देखें जी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत 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 ज़बरदस्त थी। क्योंकि कम प्राइस में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो नॉट बैड है, तो अच्छी थी। ये थी कि वाइट दो थी, दो पेयर थे, और बाकी ग्रे, ब्लैक और ब्राउन और पिंक जो था वो एक एक पेयर था। मतलब कलर्स बहुत मज़े के थे, आप हर सूट के साथ सर्दियों में वेयर कर सकते हैं। और ये भी थी जी, इसमें भी कलर, इसमें दो दो पेयर थे, पिंक दो, पर्पल दो और वाइट दो, इस तरह थी। अच्छी थी, नॉट बैड, बहुत मज़े की थी। साथ साथ जी मैं इंजॉय साथ साथ जी मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। आप भी आएँ, आप भी चाय भी लें। और जी आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं, ठीक हैं, खुशबाश हैं, अल्लाह पाक आपको ठीक और खुशबाश रखे जी। किस किस को शॉपिंग, किस किस औरत को शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है? शॉपिंग में ऐसे ही देख के हमारी जो रूह है वो ताज़ा हो जाती है, जो मर्जी हो। तो मैं जी साथ साथ माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी, जब पार्सल आया तो इतना बड़ा लग रहा था, तो मैंने कहा यार माशाल्लाह, देख के दिल खुश हुआ। बड़े दिन से इंतज़ार था, 24 को उन्होंने बोला था, पर आज आ गया। आज पता नहीं क्या डेट है। तो हस्बैंड लेके आए ऑफिस आते हुए, ये जी सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट ये मैंने मंगवाई थी जी, बहुत कमाल थी, कम पैसों में नो डाउट अच्छी थी। और मेकअप ब्रश थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चंद चीज़ें थी जो किचन की मैंने मंगवाई हैं वो भी बहुत अच्छी थी। एक ग्लास वॉश करने के लिए ब्रश मंगवाया था, और सब चीज़ें नो डाउट बहुत 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 अच्छी थी। ये सारी चीज़ें हैं जी। और ये जी देखिए किट है, आई शेडो पैलेट अच्छी थी, नो डाउट। तो आप सब भी मंगवा सकते हैं, वैसे अच्छी हैं चीज़ें। पाकिस्तान में आई डोंट नो टिकटॉक शॉप है नहीं है, पर यहाँ पे सऊदीया में तो है, तो मैंने मंगवा ली, तो ये अच्छी थी जी। उसके बाद ये देखें जी वहाँ की पिंस तो माशाल्लाह इतनी क्यूट थी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो मंगवाई थी, सिंपल और जो हर सूट के साथ चल जाती है ना, माशाल्लाह ये देखें बहुत मज़े की थी पिंस माशाल्लाह। 42 पेयर्स थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ये देखें, वाओ नाइस नाइस, हर सूट के साथ इसके चल जाएगी। और ये भी वही सॉक्स सेम थी, मेरे ख्याल से मैंने दो क्या ऑर्डर कर दिया था। और ये जी मेरा हैंडबैग आया था, जो कि बहुत ही लाइट वेट था, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का, क्योंकि मैं बड़े हैंडबैग पकड़ती हूँ, ज़ाहिर है मदर हूँ तो आपको पता है उनके लिए तो एक्स्ट्रा सामान होना चाहिए। और ये बहुत मज़े का था, कम पैसों में, 10 रियाल का था मेरे ख्याल से ये, पर बहुत अच्छा था। बाहर यही जो है वो आपको मार्केट्स में मेरे ख्याल से 30-35 रियाल का तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये अच्छा था, नॉट बैड। और साथ मैंने जी किचन का कुछ सामान मंगवाया था, हस्बैंड की चीज़ें मंगवाई थी, हस्बैंड की तो नहीं थी, सारा कुछ अपना ही था। साथ साथ मैं चाय पी रही थी, क्योंकि चाय मैंने मेडिसिन खाई थी, सर में बहुत दर्द हो रही थी। तो जी आप बताएं आप सब कैसे, आप सबको शॉपिंग कैसी लगती है, आप सबको अच्छी लगती है, आप बताया करें आप क्या मंगवाते हैं। तो ये सारा सामान मैंने कहा डिटेल के साथ देखते हैं। और ये देखिए जी, ये ट्रैवल बैग थे, जिसमें माशाल्लाह ये भी बहुत मज़े के आ गए, जैसे मैंने सोचे थे सेम वैसे ही आए हैं। मतलब इसमें माहा और मिनल की बहुत सी चीज़ें जो है मैं कैरी कर सकती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें बिखर जाती हैं ना। और ये जी मेरा था जी टॉवल स्टैंड था, ये मैंने अपने वॉशरूम के बाहर लगाने के लिए मंगवाया था, मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है ना, तो ये मैंने मंगवाया था।
चीज़ें मैंने कहा आपको सारी डिटेल के साथ दिखा दूँ। वो क्या पहले मैंने वैसे ही दिखाई थी, और ये जी मैंने मंगवाया था स्टॉलर वगैरह हैंग करने के लिए, तीन थे ये ना, तो मैंने कहा चले ये अच्छा है, स्टॉलर वगैरह हैंग कर लेता है बंदा, या कुछ लाइट सी चीज़ें वगैरह ना, मतलब पेंट्स के, वैसे ये पेंट्स का था पर पेंट्स नहीं इसमें आनी, ये टूट जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत बहुत लाइट है। तो मैंने कहा चले इसमें मैं अपने स्टॉलर वगैरह, दुपट्टे वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं जो टू पीस के साथ हैं तो वो हैंग कर सकते हैं। यार ये देखिए कितने क्यूट है, वाह क्यूटी पाई है। ये मैंने मंगवाए थे जी किचन के लिए, मैंने कहा जी इसमें जब कुकिंग करूँगी तो इसमें मसाले वगैरह डाल के रखूँगी। यार सो 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 क्यूट। और ये देखें जी ये भी वो क्या कहते हैं सिंक में लटकाने के लिए ना, आपकी कूची वगैरह, कूची क्या कहते हैं यार, जाली वगैरह, मतलब किचन का ये है सामान। और जी आप बताएं आप कैसे हैं, आपके घर वाले सब कैसे हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर किया करें अपनों में प्यारों में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें यार। ये भी बहुत अच्छा था, अभी मैं ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी, रिव्यू आपको ट्राई करके दूँगी। अभी मैंने जैसा मतलब मैंने मंगवाया था सेम वैसा ही आया, अच्छा आया। ये मैं अपने हस्बैंड को इशारे कर रही थी और उनको बता रही थी क्योंकि वो वहाँ के साथ खेल रहे थे जी। दो थे, दो आई थिंक सो, पता नहीं मैंने दो मंगवाए कि दो आ गए। और जी ये देखिए जी ये था अपना ग्लास वॉश करने के लिए ब्रश, क्योंकि हमारे हाथ, मेरे हाथ तो माशाल्लाह गोलू मोलू हैं तो मेरे हाथ ग्लास में नहीं जाते हैं क्योंकि ग्लास जो है हमारे वो पतले वाले हैं। ये जी वहाँ का सामान आया था, वहाँ के वो ब्रश आए थे, ब्रश नहीं वहाँ के कलर पेंसिल्स आई थी। लो जी ये देखिए इसके काम इस लड़की के। और ये जी इसकी कलर, वो क्या कहते हैं बुक नहीं कह सकते, वो जो पेंट करने के लिए होती है ना वॉल पे लगाने के लिए, ये वो थे माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये अभी इसको रात को इसके बाबा आएंगे तो इसको अटैच करके दूंगी ताकि ये टैब की जान छोड़े और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ना वो अपना ध्यान को करें, क्योंकि ये टैप पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है टैप, वो इसकी वजह से इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो रहे हैं तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। और ये पोनियाँ भी बड़ी क्यूट थी, इतनी मज़े की, सो नाइस ना, बहुत ज़बरदस्त थी ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। तो और जी ये था जी किचन के लिए मैंने ब्रश मंगवाए थे, ये फुल स्टील के अंदर सख्त वाले ब्रश थे ये, मैंने कहा ज़रा चूल्हा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ साफ़ करने के लिए, बहुत मज़े के थे। ये भी जब यूज़ करूँगी तो उसका रिव्यू दूँगी वीडियो बना के, और जो जो चीज़ें मैं लगाऊँगी साथ में। यार ये मेकअप ब्रश बहुत मज़े के थे, ये भी जब यूज़ करूँगी तब भी इसका रिव्यू दूँगी, बहुत 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 मज़े के थे, जैसे मैंने सोचे थे वैसे ही थे, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे आए हैं। और ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, शौक़ भी नहीं है, पर बहुत मज़े के थे यार, देखा ज़बरदस्त थम्स अप। तो जी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत मज़े मज़े की आई हैं और आप सब भी मंगवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, कोई कमी पेशी हुई तो उसके लिए माजरत। और आप बताएं आप सब ठीक है ना, आप सब कमेंट किया करें, अपना हाल बताया करें, हमारा हाल पूछा करें, आप भी मेरी फ़ैमिली हैं, मैं हर बार आपको कहती हूँ आप मेरी फ़ैमिली हैं। तो फैमिली बस पीछे नहीं रहती ना, तो आप प्लीज़ लाइक सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया करें। और ये जी सबसे छोटी चीज़ थी इस पूरे पार्सल में, ये था जी हेयर ब्रश में से बाल निकालने के लिए ना, तो ये इससे बहुत मज़े के बाल निकल रहे थे, मतलब हम नॉर्मल बाल नहीं जल्दी निकलते हैं, तो इसके साथ देखें सारे इतने मज़े से बाल निकल रहे थे हेयर ब्रश में से, और सारा जो है कि वो बड़े अच्छे से ना क्लीन हो रहा था हेयर ब्रश बहुत अच्छे से। ये देखें ज़रा बहुत अच्छे से ना इसके साथ, ये देखें सारे बाल आराम से, वैसे तो बाल नहीं थे पर थोड़े बहुत जो नहीं निकलते हैं वो सारे आराम से निकल रहे थे, बहुत मज़े का था। तो जी उसके बाद जी ये थी छोटी सी एक वो जो चावलों को पानी जो है छानने के लिए, जब क्योंकि ये देखें इसके साथ ये बहुत मज़े की थी, छोटी थी साइज़ में पर अच्छी थी, नॉट बैड। तो जी इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।